तो भाई साहब देख रहे हो सामने की तरफ गाड़ी जा रहे हो, लेमार का प्लान यहाँ पर पूरा सक्सेसफुल मुझे लग रहा है कंप्लीट। तो भाई उतर गए तो भाई क्या ही सीन हो गया, उनको से शक हो गया कि वैसे जहाँ तक ड्राइवर ने अपने को बताया था ना कि जो लोकेशन है ना एक बार एलियंस ने बनाई थी यहाँ पे आके, और दो चार एलियंस पकड़े गए थे माउंट चिलियाड के पास। और तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मैक, तो स्वागत है आपका एक GTA 5 की वीडियो में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा यार क्या ही सीन हो चुका था यार, जो ही बजूका मारी थी ना उस रिच बंदे ने, तो यार जिस कार ने यार लेस्टर, ट्रेवर और फ्रैंकलिन यहाँ पर हो चुके थे जख्मी, तो यार माइकल की भी हालत ना इस समय देख रहे हो यार बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और हम उनको ले आए थे कल हॉस्पिटल में, तो यार सैंडी शोर्स के मेडिकल सेंटर के अंदर वो एडमिट हैं। तो इस समय ना भाई हमने तो उनको करा दिया था एडमिट, और यार कल शाम को आए थे, अब सुबह हो चुकी है। तो भाई यार मैं सोच रहा हूँ ना कि अपनी वीडियोस ना रोज अब शाम को डालें 5 या 6 बजे के आसपास, क्योंकि ये ना कई भाइयों को तो पता ही चलता अपने चैनल की टाइमिंग का। तो चलो गाइस यार इस वीडियो का एम है पूरे 7000 लाइक का, यार जरूर से कंप्लीट करा देना, और चैनल पर चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करो। सबसे पहले यार बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने 40K की इनसेन फैमिली करा दी अपने भाई की, और अब एम करते हैं 42K की इनसेन फैमिली का, जल्दी से करा देना। और यार राइट साइड को देखो भाई साहब एक बार, भाई साहब देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ हुआ है। तो जिस कारण ना टॉमी को हमने जब कॉल करा ना कि अपने ऊपर मुसीबत आ चुकी है, तो टॉमी कह रहा मैं आता हूँ, तो बाद में ना जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना, तो भाई साहब उन्होंने ना आने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला कि इधर ना लॉस सैंटोस में एक बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, जिस कारण ना सारी एयरलाइंस ना बंद कर दी गई हैं, तो ऐसा हादसा हो सकता है। और ये जो मौसम वगैरह आजकल चल रहा है ना भाई साहब, यार बहुत ही ज़्यादा बुरा मौसम है, तो भाई इस करके ना टॉमी आ नहीं पाया लॉस सैंटोस में। तो यार पूरा ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी टॉमी के बिना। तो यार टॉमी ना लिबर्टी सिटी में ही फंस चुका है, और देख रहे हो यार यहाँ पर क्या ही प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ हुआ है, और कितना इस पर स्मोक वगैरह हुआ पड़ा है यार, पूरी आग वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, और यार क्या ही क्रैश हुआ है, आधा ना टूट के बीच में गिरा हुआ है। तो यार यहाँ पर पुलिस खड़ी है यार, ये तो पहले मेरी हालत वगैरह ना देखने लग जाए, कहीं अभी इंक्वायरी करने लग जाए कि तू कौन है और कहाँ से आया है। तो चलो गाइस मैं सुनो ना यहाँ से जल्दी से चल लेता हूँ, मेरा तो मकसद था आपको यहाँ पर प्लेन दिखाना कि जिस कारण टॉमी यहाँ पर नहीं आ पाया। और सीजे ना थोड़ा सा बीमार चल रहा है भाई साहब, फिर से ही होता है, फिर बीमार चल रहा है, तो यार उसको हमने कॉल नहीं करा, ना ही उसको अभी कुछ पता होगा। तो इस समय ना यार मेन दिक्कत है ना, अपने पास जो भी पैसे थे आपको पता होगा वो हमने करा दिए थे बैंक के बीच में जमा, तो जिस कारण अभी लेमार का अपने को कॉल आया था, वो कह रहा है तुम लोग कहाँ पे हो, और मुझे सारा कुछ पता चल गया रिच गैंग के बारे में, तो हमने उसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया यार। तो वो कह रहा ना अब मुड़ के भी लॉस सैंटोस में मत एंटर करना, तो हमने जब पूछा क्यों, तो भाई साहब वो कह रहा ना कि यार लॉस सैंटोस में जो रिच गैंग है ना, तो उसने ना फ्रैंकलिन घर पे कब्जा कर लिया है, और माइकल तेरे घर पे भी कब्जा कर लिया, जो भी फैमिली है उनको कर लिया है किडनैप। तो लेमार यही कह रहा है अगर अच्छा हो तो तुम यहाँ पर ना ही आओ तो सही है, कुछ दिनों के लिए जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब सही है। तो यार मेन दिक्कत ना फैमिली की है यार, पता नहीं यार क्या ही करा होगा उसने, वैसे इतना दम तो कहाँ ही होगा कि वो मार देगा। तो इस समय ना यार अपने को ना पैसे की ज़रूरत है, इस समय मेरे पास है पूरे $0 जेब में। तो यार ये एमुनेशन की शॉप देख रहे हो भाई साहब, यार मैं सोच रहा हूँ ना इसको लूटते हैं, तो सही है यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख रुपए लगेंगे लेस्टर वगैरह की जान बचाने में। तो चलो गाइस जल्दी से ना मैं सोच रहा हूँ इसको पहले लूट लेते हैं। तो भाई यार बंदा हो यार जिसकी शॉप पर, पुलिस वगैरह से अपने को बच के रहना पड़ेगा। तो देख रहे हो यार एमुनेशन की शॉप पर आए हैं हम सीधा ही लूटने के लिए, तो चल बेटा यहाँ पर अब तू मरने वाला है। तो देखो गाइस यार क्या ही शॉटगन वो निकाल रहा था यहाँ पर, जो ही उसके हेडशॉट दी है ना स्नाइपर का, तो सही है। तो इसके जो भी पैसे थे ना, तो जल्दी से ना इनको लेकर निकलते हैं यहाँ से पहली फुर्सत में। तो भाई पुलिस वगैरह ना ही आया, एक तो किस्मत ही आपको पता होगी यार कैसी अपनी। तो देख रहे हो गाइस यार इस मशीन पे जब ही माइकल ने फायर करा ना, तो जो भी पैसे वगैरह थे ना ये गिर गए बाहर की तरफ। तो देख रहे हो इस समय अपने पास हो चुके हैं $72। तो यार ओनली $72 हुए हैं अभी अपने पास, अभी थे अपने पास 0, अब इसकी शॉप में बस $72 थे। तो भाई साहब यार गरीब था यार ये तो, बिना बात के फिट गया अपने से। तो यार और भी शॉप्स यहाँ पर देखनी पड़ेगी रॉबरी करने के लिए। तो अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि 7 लाख रुपए हम कहाँ से लेकर आए यार, 7 लाख रुपए कह रहा हूँ भाई साहब यार, $7 लाख। तो चलो भाई साहब जल्दी से आगे की तरफ चल लेते हैं। तो भाई देख रहे हो ये भी शॉप है एक, तो यार एक बार ना मैं थोड़ा इसमें भी रॉबरी कर लेते हैं। तो यार चलते हैं यार सीधा, ये तो यार स्टोर वगैरह, तो इस पर तो थोड़ा ज़्यादा पैसा हो गई होगा। तो देख रहे हो ऊपर रेंटल्स मार्केट लिखा है इस शॉप का नाम। तो चलो गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर कवर ले लेता हूँ।
तो यार अब बंदा तो दिख नहीं रहा यार मुझे कोई भी। तो गाइज़ आपको भी नहीं दिख रहा होगा तो मुझे भी नहीं दिख रहा, तो एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, क्या ही सीन है इसमें, बंदा वगैरह कहाँ ही गया है। तो सही है यार, मैं चोरी करने को सोचता हूँ भाई, मारने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली अब। तो यार देख रो यहीं पर है इसका जो मनी वगैरह रखे जिसमें। तो चलो गाइज़ अब जल्दी से ना मैं, तो भाई यार दरवाज़ा वगैरह खुल चुका है, तो भाई बंदा आ रहा है यार। तो यार अब इसको मारना पड़ेगा यहाँ पे, तो देख रहे हो यार मरने भाई साहब खुद ही आ गए यहाँ पे। तो चल बेटा यहाँ पे, तो भाई साहब ये ब्लास्ट क्या ही हो गया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो देख रहे हो यार मैंने तो इसके फायरिंग मारी, एक मिस हुआ तो पीछे की तरफ ब्लास्ट हो गया पूरा। तो यार अपने को तो क्या है यार, जल्दी से ना वो जो मनी वगैरह ना। तो यार यहाँ पे सिलेंडर वगैरह भी कुछ नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो चल बेटा तू भी निकल ले पहली फुर्सत में, और जो भी इसका मनी वगैरह ना जल्दी से वो लेके यहाँ से निकलते हैं यार हम लोग। तो देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसे थे ना अब $83 हो गए हैं। तो यार इधर से तो अपने पास टोटल $155 हुए। तो भाई क्या ही गरीब है यार यहाँ पे ट्रेवर के विलेज के पास। और ये ऊपर से कहाँ आ रहा था भाई साहब, एक बार ऊपर चल के देखते हैं। और ये ना यार कोई बियर वगैरह का बार बूर है। तो यार ऊपर की तरफ यार आवाज़ तो आ रही है यार, पता नहीं यार क्या ही सीन चल रहा है। तो ऊपर की तरफ चल के देखते हैं गाइज एक बार। तो देख रहे हो यार ऊपर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही है, मैं हाथ में गन रख लेता हूँ पहले, अगर कोई भी हो ना तो बेटे के जो ही मत्थे पे हेडशॉट दूंगा ना मैं। तो चलो भाई साहब जल्दी से चल लेते हैं आगे की तरफ। और ये सिलेंडर वगैरह रख रखे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे। तो देख रहे हो यार, तो भाई सामने लेफ्ट साइड एक बंदा है, तो भाई मार भाई माइकल क्या ही कर रहा है। तो चल बेटा निकल जा पहली फुर्सत में यहाँ से। तो देख रहे हो यार बंदा था यार, जैसे मुझे लग रहा था ना किसी की आवाज़ यहाँ पर आ रही है, तो सही में यार आ रही थी। और ये माइकल कहाँ ही गिर गया यार, आवाज़ तो यहीं कहीं से आ रही। तो भाई बंदा भाई माइकल, ओ भाई साहब ये क्या हो गया यार। तो भाई क्या ही ब्लास्ट हुआ बंदे ने ना, जो ये मीटर सा लगा सामने तो इसी के ऊपर 4-5 गोली जो ही मारी है ना रख के। और उसकी बॉडी का भी अता पता नहीं चला कि कहाँ ही चली गई उसकी बॉडी। और ये नीचे की तरफ भी एक बंदा खड़ा, तो भाई इसको भी मारना पड़ेगा। तो चल बेटा निकल जा यहाँ से पहली फुर्सत में। तो देख रहे यार क्या ही मारा है इसको। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एम है पूरे 7000 लाइक का। और चैनल पर न्यू चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दे रहा 42 की इंसान फैमिली, जल्दी से करा दो अपने भाई की। तो देख रहे यार क्या ही हालत करी है उनकी। और जल्दी से ना जो भी इनका यार पैसा वगैरह होगा जल्दी से लूट के चलते हैं, और एक बार देख लेते हैं भाई। बाहर तो पक्का लग रहा था ये ना ड्रग्स वगैरह सेल करते होंगे, जैसे लग रही है मुझे हालत यहाँ से। तो एक बार देखते हैं इनके पास तो पक्का पैसे लग ही रहे हैं मुझे। तो भाई साहब चलते हैं अंदर की तरफ। तो देख रहे यार जो भी ड्रग्स वगैरह ना यहाँ पर इन्होंने रख रखा था। तो भाई साहब ये बॉक्स कौन सा यार, तो इसके ताले पर गोली मारते हैं, तो भाई जल्दी टूट जाता। तो देख रहे हो यहाँ पर ये टूट चुका है। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो माइकल ने सारे पैसे वहाँ से उठा लिए। तो यार आप यकीन नहीं करोगे उसमें से मिले अपने को $10,00,000। तो सही है भाई साहब, जैसे कि मुझे लग रहा था ना ये कंडीशन देख के ऊपर जो भी ड्रग्स वगैरह इन्होंने बेच रहे थे ना ये सस्ते नशे, तो इनकी तो हमने गेम बजा दी। तो चलो गाइस यार जल्दी से यहाँ से चल लेते हैं। तो भाई क्या ही सीन हो गया यार, अब अपने को पैसे तो मिल गए हैं पर जो रिच गैंग ने किडनैप कर रखा है ना माइकल की फैमिली को, तो ऊपर की तरफ देख रहे हो यहाँ पर है $10,00,000। तो सही है यार, अब तो यार डॉक्टर को देने हैं 7,00,000। जब उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा सक्सेसफुली तो भाई अब जल्दी चलना पड़ेगा। तो यार आप भी देख रहे होगे यार कितने पैसे हैं माइकल के पास और फ्रैंकलिन ट्रेवर के पास। तो यहाँ पर ना कोई एटीएम तक भी नहीं है, और जो भी अपने मनी थी ना यार वो बैंक में पूरी हमने जमा करा दी थी। तो भाई बेकार काम करा था यार हमने बहुत ही ज़्यादा। अब कोई भी यार ऐसा काम पड़ जाता है यार अपने पास पैसे रखने चाहिए यार, एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलो गाइस मैं जल्दी से चलता हूँ डॉक्टर को पैसे देने के लिए, क्योंकि वो भी कॉल कर रहा है कि कब आओगे, जब पैसे होगे तब हम ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे इनका, और जो भी इनको जो भी जख्म है वो सब सही करेंगे। तो चलो गाइस जल्दी से चल लेते अंदर की तरफ। तो देख रहे हो यार यहाँ पर हो चुकी है शाम, और जो भी हमने पैसे थे ना वो डॉक्टर वगैरह को दे दिए हैं, और अपने पास इस समय बचे हैं पूरे $3,00,000। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना यहाँ पर अपने लेमार को कॉल तो कर दी थी, और लेमार कह रहा कि मैं तुम्हारे पास बस आऊँगा अभी और ना तुम्हें एक प्लान बताऊँगा। तो भाई बहुत ही अच्छा प्लान है। तो सबसे पहले भाई साहब यार मुझे ना एक बार चेक करके आना पड़ेगा। तो भाई एक बार क्या कहते हो यार चेक करने चलें यार फ्रैंकलिन घर पर, और मेरे घर पर क्या ही सीन चल रहा है। तो अगर घट सिक्योरिटी हुई ना तो मैं उनकी गेम बजा के यहाँ पर रख दूंगा। तो चलो भाई जब जल्दी से ना पूरी पहली फुर्सत में ना मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो यार पहले फ्रैंकलिन घर की तरफ चलेंगे, फिर चलेंगे अपने घर की तरफ, और वहाँ पर मैं देखूंगा यार क्या ही हाल चल रहा है। अगर घट सिक्योरिटी हुई ना तो मैं और लेमार उनकी गेम बजा के रख देंगे भाई। पर यार जैसे कि लेमार ने बोला था ना कि सिक्योरिटी ना बहुत ही ज़्यादा है यार, अभी तुम लॉस सैंटोस में एंटर मत ही होना तो सही है। तो यार पर तुम्हारा भाई है पूरा ढीठ भाई, ऐसे कैसे नहीं एंटर होगा भाई, ऐसे होंगे यार एंटर। तो चलो भाई यहाँ पर आप स्पीड देख रहे होगे लैम्बोर्गिनी की, तो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है यार, देख रहे होगे यार कितनी लिबड़ी हुई है यार ये पूरी मिट्टी से। तो यार बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन हो गया था इस गाड़ी का। तो चलो भाई यार हम फ्रैंकलिन घर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो गाइस देख रहे हो यार बस अपने को ना आगे से यहाँ से
सीधा जाना है फिर राइट या लेफ्ट अपनी मर्जी है। और यार कई भाइयों से मैंने कलर बारे पूछा था यार, तो कई भाइयों से भाई यार आपसे ही पूछा था सबसे कमेंट करके, तो यार वीडियो में मैंने बोला होगा कि कौन सा कलर कराएं, तो भाई कई भाइयों ने बोला कि इस पे यही कलर रहने दो, किसी ने बोला यार वाइट रहने दो, और किसी ने बोला यहाँ पर ब्लैक करा दो, तो भाई मैक्सिमम तो यही थे ग्रीन रहने दो। तो यार अभी तक तो ग्रीन रहने देंगे, पर इसकी हालत देख रहे हो यार, इसको हमें रीपेंट ग्रीन में ही कराना पड़ेगा। तो यार कुछ दिनों तक करा लेंगे, जब हालात यहाँ से नॉर्मल हो जाएंगे तो देख रहे हो मैंने यहाँ पर ऑफ रोडिंग वाला रास्ता यहाँ पर चुन लिया है, और आगे से जाके ना तो भाई कौन ही जाएगा यार, जल्दी से मैं चल लेता हूँ ऊपर की तरफ। तो भाई देख रहे हो यार जल्दी से हम ऊपर की तरफ आ गए, और जो अपने पास स्नाइपर है ना उससे एक बार तो भाई देख रहे हो यार बंदे तो दिखना ही शुरू हो गया यहाँ से। तो भाई देख रहे हो यार क्या ही सीन हो गया यार, अब तो दिमाग पूरा खराब हो रहा था। देख रहे हो ब्लैक ब्लैक गाड़ियां सारी यहाँ पर अलर्ट हुई पड़ी हैं। तो एक बार ना मैं जूम करके देख लेता हूँ स्नाइपर से, और आपको भी दिखा देता हूँ, और मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे। तो चलो भाई अब जल्दी से कर लेते हैं जूम। तो भाई देख रहे हो यार क्या ही बंदे यार वहाँ पे, और यार आ जा रहे हैं भाई साहब यार क्या ही कर रहे हैं, और कितनी सारी गाड़ियां हैं, 7 गाड़ियां हैं यार, एक मिनट यार गिन ले दो, 4, 5, 6, 7 तो गाइस यार, हाँ यार एक वैन है और बाकी 6 गाड़ियां। तो भाई क्या ही गलत सीन यार हो चुका है, और ऊपर की तरफ भी बंदे खड़े हैं भाई अपने घर पे ना, इन्होंने कब्जा जमा लिया पूरा। तो यार फ्रैंकलिन घर पे भी जमा लिया, जहां तक लेमार कह रहा था भाई साहब पूरा सही कह रहा था यार लेमार। अब मेन दिक्कत है यार कैसे इनको मारा जाए, तो यार इनकी सिक्योरिटी देख रहे हो रिच गैंग की, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सिक्योरिटी लग रही है, तो कितने ज़्यादा तगड़े वेपन है यार इनके पास, यार गाड़ियां वगैरह भी इनके पास पूरी बुलेट प्रूफ है। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो भाई मैं ना पहली फुर्सत तो मैं यहाँ पर कोई भी चोड़बाजी नहीं करूँगा, और सीधा चलते हैं इस समय अपने घर की तरफ। तो भाई यार फैमिली तो सही होनी चाहिए यार, क्योंकि इतनी हिम्मत तो उसकी मुझे लग रहा कि नहीं होगी कि वो फैमिली को कुछ कर पाए। तो यार मैं ना साइड से निकलूँगा भाई साहब, लेफ्ट से जाऊँगा ना, उनको पहचान है इस ग्रीन रंग की, तो भाई फिर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन्होंने एक बार देख लिया ना, तो यार वो अलर्ट हो जाएंगे कि माइकल लॉस सैंटोस में आ चुका है। तो भाई यार इसको भून के रख दो पीछा करके इसका, तो भाई ये काम मैं नहीं चाह रहा, तो जिस कारण अब दिमाग से चलना पड़ेगा। तो चलो भाई अब जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा अपने घर की तरफ, तो इसको थोड़ा सा भगाते हैं। तो भाई रास्ता बस सीधा ही है, तो देख रहे हो गाइस यार बच गया गाइस, अभी ठूका होता ना जो स्क्रैच वगैरह अलग ही पड़ते। तो चलो चलते हैं गाइस। तो देख रहे यार माइकल के घर के बहुत ज़्यादा हम क्लोज आ चुके हैं, तो भाई साहब आप पूरी रेस दे रखे हैं, तो यार ये बाइक कहाँ से जा रही है भाई साहब, रेस लगा रहे हो कि क्या ही कर रहे हो, तो हट जाओ भाई, जब मैं हॉर्न मार रहा हूँ तो तुम हट जाओ ना यहाँ से। तो देख रहे हो यार क्या ही सीन है, साइड दे रहे हैं यहाँ पर फिर नहीं दे रहे, तो यार अब तो क्या ही करें, तो जल्दी से लेफ्ट से निकलते हैं। और पीछे की तरफ गाड़ी भी बहुत अल्टीमेट जा रही थी, तो हट जा बेटा अब निकल लेने से बहुत ज़्यादा चोट में, तो चल बेटा यहाँ से निकल। तो देख रहे हो तो भाई फिर से आगे आगे की तरफ, तो गाइस क्या ही कर रहे हैं यार, रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। तो यार मैं इनसे बिना बात के पंगा नहीं लेना चाहता, और तुम्हारा भाई है यार ढीठ, अगर कोई जीतने को सोचे ना तो चल बेटा यहाँ पे निकल। तो चलो गाइस हम घर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, और मैं डायरेक्ट तो यहाँ से नहीं जाने वाला। तो भाई एक बंदा मैंने देखा यार अभी अभी वहाँ पे, तो यार यहाँ तो क्या ही रोको, अगर उन्होंने गलती से देख लेना और वो जो ही अपनी गेम बजाएंगे तो यार पता यार क्या ही सीन होगा। तो जल्दी से चल लेते हैं यहाँ से लेफ्ट मोड़ के ना, इधर से एक रास्ता पड़ता है मेरे घर की तरफ से सामने वाली गली में। तो भाई देख इस रास्ते की मैं यहां पर बात कर रहा था, तो यार चलते हैं यार पैदल पैदल जल्दी से, रात होने से पहले पहले ना अपने को ना सब कुछ देख के यहां से निकलना होगा, और फिर लेमार से यार पूरी बात करनी होगी कि अब करना क्या ही चाहिए अपने को। तो देख रहे हो यार माइकल यहाँ से कवर लेके देख रहा, तो भाई मुझे बंदे तो पक्का दिख रहे हैं, तो यार बंदे तो बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं, तो आप भी देख रहे होगे गाइस यार क्या ही यार गलत सीन हो चुका है यहाँ पे, एक गाड़ी हमने चुराई बदले में यार इतनी बड़ी गैंग अपने को टक्कर गई, तो भाई क्या ही कर सकते हैं यार। पर यार गाड़ी भी ज़रूरी थी यार, पैसे भी ज़रूरी थे, अब क्या ही करें, मुझे बिल्कुल भी समझ यहाँ पर नहीं आ रहा यार। अभी प्रॉपर मुझे बंदे एक भी नहीं दिखे, तो मैं सोच रहा हूँ जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, तो इसके ऊपर एक बार चढ़ा जाए तो भाई ऊपर से ना पूरा व्यू अपने को दिख जाएगा क्लियर। तो चलो भाई जब जल्दी से चल लेते हैं यहाँ से, लेते हैं राइट, और यार यहाँ पर कोई भी वर्कर वगैरह ना हो तो सही है यार, क्योंकि आपको पता है यार वो डिस्टर्ब होंगे फिर वो चिल्लाएंगे फिर हम उनको मारेंगे, तो भाई वो बंदे अलर्ट होंगे, तो ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा यहाँ पे। तो चलो भाई जब जल्दी से चल लेते हैं ऊपर की तरफ, तो यार ये टूट वगैरह ना ही जाए तो सही है, कहीं मैं ऊपर की तरफ चलूँ बाद में ना एक लकड़ी इधर उधर हो तो भाई बाद में इंजर पिंजर अपने यहाँ पर हिल जाए सारे। तो भाई वैसे तो मजबूत लग रहा है, तो जल्दी से यहाँ पर जंप कर ली हमने। तो चलो भाई देख रहे हो यार
और सामने की तरफ यार बंदे खड़े हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे तो सामने की तरफ ना कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो यार इन्होंने यहाँ पर भी हाईजैक कर लिया पूरा घर माइकल का, और फ्रैंकलिन का तो इन्होंने कर ही रखा था। तो जैसे कि लैमार कह रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी इन्होंने घर पर लगा दिया है, तो अकेले जाने में तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है यहाँ पर, तो क्या ही करा जाए यार। एक बार थोड़ा सा क्लोज जाके मैं देख के आता हूँ असल में क्या ही सीन चल रहा। तो भाई माइकल चढ़ जा भाई, गिरना नहीं है, तो आराम से चलेंगे। तो देख रहे आराम आराम से हम आ चुके हैं, तो सही है यार। तो भाई इधर ही कवर लेके देखता हूँ, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं यार। तो देख रहे क्या ही इन्होंने अलग ही नशे में है क्या, बॉक्स वगैरह क्या ही रख रखे हैं, और ऊपर की तरफ भी बंदे यार गाड़ियों से इन्होंने पूरा हाईजैक कर रखा है घर को। अब यार फैमिली को बचाना पड़ेगा, मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। और यार माफिया वाले शुक्र करो गाइस, यार इनको माफिया वाले घर का बिल्कुल भी नहीं पता। अगर इनको पता होना जो भी अपनी गाड़ियाँ वगैरह ना, ये उनको ब्लास्ट कर देते या कुछ ना कुछ जरूर कर देते। तो चलो गाइस, इस समय तुम्हारा भाई पहली फुर्सत में यहाँ से निकलने वाला है सीधा अपने घर की तरफ। तो भाई जल्दी से चल लेते हैं यहाँ से। तो मेरे घर की मतलब यार जो ट्रेवर का ओल्ड घर है ना, तो बहुत ही पुराना, जब वो बस में रहता था तो ट्रेवर के विलेज की साइड चलते हैं। तो चलो भाई अब जल्दी से ना बैक कर लेता हूँ मैं गाड़ी को यहाँ पे, और फिर चलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब ये लेट के क्या ही कर रहा है भाई साहब, कुत्ता इसको काट के गया इसका। तो देख रो इसका डॉग इसी को काट गया, और ये फायरिंग मेरे पे कर रहा है, तो अलग ही नशे में भाई साहब। देख रो ये जा रहा है इसका डॉग, और मैं इसको मारना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा यहाँ पे। तो पता नहीं यार क्यों बेचारा ये डर चुका था। तो भाई रुक जा भाई गाड़ी। तो देख रो अभी बीच में जो ही आया होता ना ये, फिर इसकी सीधा मौत थी। तो चलो गाइस अपने को क्या, अपने को तो जल्दी जाना पड़ेगा इससे हमें ट्रेवर की विलेज की साइड, क्योंकि यहाँ वहाँ पर लैमार आएगा, यहाँ पर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। अगर एक बार मैं उसको मिलूंगा ना, क्या पता यार जो रिच गैंग के बंदे हैं ना, वो लोग आके यहीं पर गैंग वॉर शुरू कर दें, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहा। अब ये जिमी अमेंडा और ट्रेसी को पता नहीं यार कैसे बचाएं, और बचाना बहुत ही जल्द पड़ेगा। अभी तक अपने को कोई भी कॉल नहीं आया है, तो यार सही है अभी तक तो सारा कुछ। तो देख रहे हो यार ट्रैवर के विलेज के ना सीक्रेट रास्ते से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और जो ये ट्रैक देख रहे हो रेलवे ट्रैक, तो यार इसी से ना एक रास्ता पड़ता है ऑफ रोडिंग वाला नीचे की तरफ से। तो भाई साहब यार यहीं कहीं से पड़ना चाहिए था यार, ट्रेन वगैरह ना ही आ जाए पीछे से तो सही है। तो आप सोचो यार अगर सामने से ट्रेन आई ना, जो ही अपनी गाड़ी की हालत होगी ना, तो यार क्या ही गंदी हालत हो जाएगी। तो चलो भाई अब जल्दी से यहाँ से चले थे नीचे की तरफ। तो भाई एक बार ना ड्रोन कैमरे से चलते हैं यार। तो देख रहे हो भाई साहब अपनी गाड़ी यहाँ पर उतर चुकी है नीचे की तरफ, तो सही है यार। यार इसी के लिए है यार ये पूरा से यार, जो ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं ना, तो इसी से कर सकते हैं। बाकी अगर अपनी फरारी या कोई भी लैम्बोर्गिनी या हुरेकैन होती ना, तो आपको पता है यार उसका क्या ही सीन था। तो भाई साहब वो तो पूरी फंस चुकी होती पत्थर के बीच में। तो चलो भाई अब जल्दी से चल लेते हैं यार, लैमार का वेट करते हैं। लैमार को हमने एक लोकेशन पर बुलाया, वो कह रहा मैं जल्दी आ रहा हूँ, और साथ में ना एक गैंग का बंदा लेके आऊँगा। तो जब हमने पूछा कि कौन सी बात कर रहा, तो वो कह रहा मैं वहाँ पर आके एक्सप्लेन करूँगा, तो यार मेरा वेट करना, मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर देख रहे यार मैं 300 लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बिल्कुल भी यहाँ पर गाड़ी नहीं लग रही है। तो चलो गाइस अब जल्दी से जितनी भी लग रही है ना, उतनी हमने पूरी मैक्स कर दी है इसकी स्पीड, और फ्यूचर में ना इसकी स्पीड वगैरह बढ़ा लेंगे अगर जिंदा रहे तो। तो चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से राइट की तरफ। तो देख रहे हैं यहाँ पर ना सामने की तरफ से ट्रेन आ रही है। तो भाई आ जा भाई यार, पहले जिंदगी इतनी बेकार हुई पड़ी है, आके मार दे भाई। देख रहे हो क्या ही सीन हुआ है यहाँ पर, हम थोड़ा सा आगे होके बच चुके हैं। तो भाई अगर गलती थी ना मेरी, चोड़ चोड़ में ना गलती हो जाती ना यहाँ पे, तो भाई जो ट्रेन यहाँ पर अपने को ब्लास्ट करती ना, तो माइकल की तो यहीं पर कहानी ख़त्म हो चुकी होती। तो चलो भाई यार इसी लोकेशन पर हमने, तो भाई ये सामने की तरफ क्या है यार, सेफ अर्थ कुछ छपा है, तो एक बार चल के देखते हैं भाई साहब, अलग ही सीन है यार। शायद मैं एक बार नहीं भाई साहब, यार ट्रैवर ने बताया इस बारे एक बार। तो देख रही यहाँ पर सेफ अर्थ है, और एलियन वगैरह भी यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह छाप रखी है उनकी, और ऊपर की तरफ कुछ बंदे हैं बी मी अप। तो भाई साहब क्या ही सीन है यार, कितनी अच्छी पेंटिंग करी है। एक बार गाइस यार देखते हैं क्या ही सीन है, और सामने की तरफ नकली UFO है यहाँ पे, और भाई साहब कितना औसम लग रहा है यार। तो मुझे लग रहा है ना यहाँ पर ना कोई एलियंस के लिए सीक्रेट वगैरह लोकेशन है ये, तो पता नहीं यार ये बनाई है कि नहीं। वैसे जहाँ तक ट्रैवर ने अपने को बताया था ना कि जो लोकेशन है ना, एक बार एलियंस ने बनाई थी यहाँ पे आके, और 2-4 एलियंस पकड़े गए थे माउंट चिलियार्ड के पास, और यहीं पर उनका कोई सीक्रेट वगैरह है। तो यार बताना यार, उस पर भी एक बार रिसर्च करेंगे। तो देख रहे हो वेलकम स्पेस ब्रदर्स लिखा है यहाँ पे, तो सही है यार, बहुत ही अच्छी लग रही है, और यूनिवर्सल लिखा पड़ा है। तो भाई साहब यार यहाँ पर यार पक्का यार ये UFO है ऊपर की तरफ, जो देख रहे हो जो आँख वगैरह है, और नीचे जो बादल है ना, ये पक्का माउंट चिलियार्ड के ऊपर वाले बादल हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो सही है यार, यहाँ पर ना जहाँ तक पता है यार, लेस्टर ने भी अपने को बताया था कि यहाँ पर ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सीक्रेट है लॉस सैंटोस में, तो एक बार उस पर भी पर्दाफाश करेंगे यार उसका भी, तो वक्त आने पर करेंगे। तो भाई देख रहे हो यार यहाँ पर क्या ही, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह हैं, और एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं, और यार दो बंदे थे, कहाँ ही चले गए बंदों का बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा।
तो चलो भाई, यार डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी कर रखी है। शायद यार ये बंदों ने बनाया लॉस सैंटोस के जो यार विलेज है ट्रेवर का, तो भाई सामने नकली UFO रख रखा है, तो बहुत ज़्यादा OP लग रहा है यार। तो यार सोच के देखो गाइस, यार अगर हम ऐसा व्लॉग करें जो एलियन का हम UFO वगैरह ढूंढे तो कितना मजा आएगा। तो यार फ्यूचर में जरूर से करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर से कर देना। और मैं सोच रहा हूँ ना कुछ हॉरर व्लॉग्स ले आने को, तो यार जरूर से कमेंट करना कि क्या करना चाहिए मुझे, कि मेरा आइडिया सही है कि नहीं। तो यार पहले जो ये प्रॉब्लम चल रही है ना, इसको यार पहले सोल्यूशन ढूंढते हैं इसका। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना, ये सामने सही है, मैंने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हूँ, और जल्दी से ना यहाँ पर यार ड्रिंक वगैरह तो पक्का हो गया यार, भाई जूस की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं और वेट करते हैं। तो भाई देख रहे हो यहाँ पर ना शाम होने ही वाली है, रात होने ही वाली है भाई साहब, शाम पूरी हो चुकी है और ये बंदा ना यहाँ पर बिल लेके तैयार है। ओ भाई साहब अभी तक कोक हमने पी है, तो भाई अलग ही यार बिल लेके खड़ा, कह रहा यार $50 मुझे दे दो यहाँ पे। तो चलो भाई साहब मुझे लेमार का बिल्कुल अता पता नहीं है, पता नहीं भाई साहब यार कब आएगा वो। तो देख रहे यार यहाँ पर ना रात होने वाली है, तो भाई यार गाड़ी आ गई एक, तो पक्का ये लेमार ही लग रहा है भाई साहब, हर बार ना नमी नमी गाड़ियाँ लेकर आता रहता है ये। तो चलो गाइस लेमार यहाँ पर आ चुका, तो यार ये बंदा कौन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और लेमार का रहा एक बार मैं इस बंदे को आपको मिलाता हूँ। तो भाई ये कह रहा ना ये लॉस सैंटोस का शार्प शूटर है, जो यार स्नाइपर वगैरह होते हैं और यार ये पैसा लेके काम करते हैं, जहाँ तक लेमार कह रहा है। और लेमार का अगर तुम लड़ाई लोगे ना, अगर हम लड़ाई लेंगे तो जो रिच गैंग का बंदा है ना, तो भाई जो उसका ब्रदर या उसका डैड वगैरह था यार, क्या ही सीन था उसका, तो भाई अगर उसको फिर सीधा सीधा शक हो जाएगा अपने ऊपर कि ये काम माइकल का है या ट्रेवर फ्रैंकलिन का, इनमें से किसी का काम है। तो यार लेमार कह रहा है ना अगर तुम्हारी जगह हम इस बंदे को भेजें पैसे देके, तो अगर ये लड़ाई करें तो ये क्या पता ये मार दें, जो हमने इनसे बात करी ना इस बंदे से, तो भाई ये कह रहा ना ऐसे छोटी मोटी गैंग मारना हमारे बाएँ हाथ का खेल है। तो कह रहा है एक तरह से हम माफिया लॉस सैंटोस के, तो भाई तू मर भाई पहले। तो इसने ना सारी बातें वगैरह यार अपनी सुन ली थी, तो इसको मजबूरन अपने को मारना पड़ा। तो जब हम लेमार को कह रहे हैं गाड़ी किसकी है, तो कह रहा यार पता तो है भाई सब लोग यार हम पूरे चोर हैं, तो ये गाड़ी भी चुरा रखी थी किसी की। तो चलो भाई अब जल्दी से ना यहाँ से चल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन घर। तो यार यही बंदा कह रहा है कि लेमार का भी यही कहना है कि एक बार ना ट्राई कर लेने दो इसको, ये बदले में ना पैसे मांग रहा गाइस यार $2,00,000। तो सही यार इस समय अपने पास $3,00,000, तो इसको दे देंगे $2,00,000। तो चलो गाइस अब जल्दी से चल लेते हैं, इस समय फ्रैंकलिन घर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज। तो उससे पहले ना ये कह रहा कि जो मेरे बंदे हैं ना एक बार ना उनको मुझे कहना पड़ेगा, तो यार फ़ोन वगैरह तो स्विच ऑफ है, एक बार सीधा उधर ही चलो और फिर वहाँ पर पूरा प्लान डिस्कस कर लेंगे। गाइस देख रहे यार ये जो गाड़ी है ना परसों ही हमने उससे चुराई थी, तो भाई पूरी न्यू थी, तो इस समय हालत इसकी क्या ही हो चुकी है। तो गाइस इधर कई भाइयों को ना डाउट था, जो अपने पास एक येलो रंग की थी जो उरस, तो भाई ये जो ग्रीन रंग की है, तो यार जो अपनी वाली थी ना वो हमने किसी कस्टमर को बेच दी स्टॉक करा के, तो भाई जो हमने चुराई थी इसको अपने लिए पर्सनल रख लिया, क्योंकि ये 220 वाला मॉडल है, तो यार 2020 का मॉडल है। तो सही है आपको मैंने इसको कल दिखाई दिया था कल की वीडियो में, जो भी इसका इंटीरियर वगैरह था और जो भी स्पीडोमीटर था ना सारा कुछ ना इसकी स्क्रीन के ऊपर है, तो ये एडवांस फीचर वाली है यार गाड़ी। तो चलो गाइस यार जल्दी से हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, जो इसने लोकेशन बताई अपने को बंदों की, बस यार ये लोग मार देना तो उसको सीधा सीधा शक अपने से हट के ना किसी और पर हो जाएगा। तो यार प्लान इधर हमें बनाना पड़ेगा कि कैसे यार उसको प्लान करना है कि उनकी लड़ाई इससे हो तो हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं होगा। तो देख रहे हो सामने की तरफ कुछ बंदे खड़े हैं, और ये जो ग्रीन लाइट आ रही है ना अपनी गाड़ी से, तो भाई अभी तो इसकी लाइट ग्रीन हुई पड़ी है, तो यार सही लग रही है यार गाड़ी के रंग के हिसाब से, तो ग्रीन लाइट हुई पड़ी है। तो चलो गाइस यहाँ पर बंदे पूरी चौड़ में बैठे हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। तो देख रहे हो गाइस यार यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, और जल्दी से यार बातचीत कर ले लेमार भाई, अब मैं क्या ही बार बार समझाता रहूँ सबको। तो देख लो यार भाई साहब इधर भी देख लो भाई, इतने बंदे आए हैं यहाँ पे, तो भाई अलग ही यार वो स्मोकिंग वगैरह कर रहा है। तो भाई देख रहे हो ऊपर की तरफ इस समय अपने पास $3,00,000, तो सही है यार ये मांग रहे हैं $2,00,000। तो भाई चलो भाई इनसे अब बात कर लेते हैं यार फाइनली। तो देख रहे हो यहाँ पर ना सारी बात इनसे हो चुके, तो भाई ये कह रहे हो बस इतना सा काम है, घर पे किसी ने कब्जा करा है और जाके हम वहाँ पर गेम बजा देंगे, बस चार लोग हम बहुत हैं। तो कह रहा कि सीधा जाएंगे सीधा गेम बजाएंगे, तो सही है भाई साहब हम भी यही चाह रहे हैं कि सीधा जाओ और सीधा गेम बजाओ। तो आई होप यार ये प्लान सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाए लेमार का, जहाँ तक यार लेमार के दिमाग को मानना पड़ेगा, अगर हमने डायरेक्ट रश करा होता ना तो भाई आपको ही पता उनका सीधा शक ना अपने ऊपर ही होता भाई, वो फिर ना फैमिली के साथ बहुत कुछ कर सकते थे, या जिमी को मरवा देते या ट्रेसी यार अमेंडा को यार बहुत ही ज़्यादा मार देते गन वगैरह से। तो भाई वो काम मैं नहीं चाह रहा, तो मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर ना इनसे अटैक कराएं और हम छुप के बस देखें अटैक होते हुए। तो यार अगर ये मारेंगे ना तो सही है भाई साहब, ये तो पूरी गैंग क्लियर कर दें। तो जहाँ तक ना
लेमार कह रहा है कि इनका बहुत नाम चलता है लॉस सैंटोस में, तो सही है भाई, मैंने तो वैसे सुना नहीं, लेमार ने पता नहीं कहाँ सुन लिया। तो चलो भाई अब जल्दी से ना यहाँ से चलना अपने को लेफ्ट से तो ऊपर की तरफ, तो भाई जल्दी अपने पीछे आ जाओ पहले, और जल्दी से भाई साहब तुम्हारा भाई चढ़ा रहा है यहाँ से सीधा पहाड़ के ऊपर से, तो भाई मैं नहीं चाह रहा कि मैं सीधा जाऊँ और वो मुझे देख लें और फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पे। तो चलो भाई अब जल्दी से ना इस पत्थर के पास ही चलते हैं। भाई क्या ही चल रही है यार गाड़ी इस समय, तो यार पूरी सर्विस वगैरह भी करानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आपको पता है यार क्या ही इसकी हालत हो चुकी है। तो देख रहे हो सामने की तरफ जो बंदे खड़े हैं ना वहीं पर खड़े हैं, तो जल्दी से ना मैं इस गाड़ी को पार्क लगा देता हूँ पीछे की तरफ। तो भाई हट जाओ भाई, अब कोई भी शक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यार बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, तो भाई अपनी सस्ती रेंज रोवर ले जाना भाई अपने सामने से, अपनी लैम्बोर्गिनी के सामने, पता नहीं यार क्या ही अलग ही नशे में है। तो भाई साहब वो पता नहीं यार कहाँ ही रह गए। तो चलो भाई ये लोग भी यहाँ पर आ चुके, तो देख रहे हो चारों के हाथ में है गन, और ये कह रहे हैं बस हम सर अभी गए और अभी उनकी गेम बजा के आएंगे और पेमेंट वगैरह तुम इस बंदे को कर दो हमारे सर को। तो सही है भाई साहब, हम पेमेंट तो कहीं भी नहीं यार जा रहे हम भागे हुए, तो पेमेंट जैसे हमने बोला तो हम पूरी पेमेंट करेंगे। तो देख रहे हो कह रहे हैं हम बस अभी जा रहे हैं, फिर उनकी सीधा गेम बजा रहे हैं, तब तक तुम यहाँ से इंजॉय करो। तो चलो अपने पास तो है स्नाइपर, तो मैं सोच रहा हूँ इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो चलो भाई अब जल्दी से ना इस पत्थर पर चढ़ के और देखते हैं स्नाइपर से क्या ही सीन कर रहे हैं भाई साहब। यार मार दें तो सही है वो लोग उनको, तो भाई यार इधर से तो थोड़ा फ्री हो जाएगा घर अपना, और जो भी वेपन है ना घर के अंदर फ्रैंकलिन के, फिर उसको उठा के फिर आगे हम रश करेंगे माइकल के घर के पास, तो सही हो जाए प्लान, सक्सेसफुली हो जाए। तो देख रहे हो गाइस इन्होंने भी यहाँ पर कवर ले लिया है, तो सही है गाइस यार, अब पता नहीं यार कितना टाइम लगाने वाले हैं, तो अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं वो लोग। तो भाई अब तक तो भाई साहब देख रहे हो सामने की तरफ गाड़ी जा रहे हो, और लेमार का प्लान यहाँ पर पूरा सक्सेसफुल मुझे लग रहा है कंप्लीट। तो भाई उतर के तो भाई क्या ही सीन हो गया, उनको से शक हो गया कि बंदे आ गए, तो भाई यहाँ पर लड़ाई वगैरह, तो भाई एक बंदा अपना मारा गया, और भाई साहब यार बंदा कहाँ, तो चल बेटा यहाँ पर हेडशॉट खा ले तू, भाई पत्तों में एडजस्ट कर दे, तो चल यहाँ पर कुछ भाई साहब हेडशॉट खा ले। तो भाई कवर फायर तो हम इनको पूरा दे रहे हैं, और अपने भी बंदे इन्होंने दो मार दिए हैं, और भाई साहब वो अंदर बैठ रहा है फिर बाहर से मार रहा, तो भाई देख रहे हो क्या ही गलत सीन हो गया यहाँ पे। तो चलो भाई इनको जल्दी से इसके भी बजाता हूँ यार, इस गंजे के, चल गंजे यहाँ से निकल जा। तो भाई देख रहे हो हमने भी पूरा इनको कवर फायर दिया है, पर यार इन्होंने ना जल्दी से मार दिया, और अगर मैं ज़्यादा मारता रहूँगा ना तो अगर एक आधे बंदे को पता चला कि हम माइकल ऊपर से कवर दे रहा, तो ये कॉल वगैरह कर देंगे। तो भाई देख रहे हो यहाँ पर ना सारे बंदे अपने मर चुके हैं, तो भाई साहब अब जल्दी से भाई कौन आ गया अपने, तो चल बेटा तो भाई मिस हो गया, तो यार इसको तो जल्दी से मारना पड़ेगा, तो चल बेटा निकल जा भाई पहली फुर्सत में। तो शायद ये देखने आ रहा था कि क्या ही सीन हो गया यहाँ पे, तो देख रहे हो क्या ही हेडशॉट बजाया उसके पिस्टल से। तो यार जल्दी से ना यहाँ से निकल लो भाई साहब, तुम फेल हो गए यार तुम्हारा प्लान यहाँ पे। और लेमार भाई साहब देख लिया उनकी पावर यार, चार बंदों उन्होंने चुटकियों में मार दिए, और इस समय उनको शक ना ही हुआ वो तो सही है यार, तो अगर शक हो गया ना तो भाई वो ना किस हद तक जा सकता है मुझे पता है रिच गैंग, तो जिसने घर पर ही कब्जा कर लिया माइकल के और फ्रैंकलिन के, वो क्या हद क्रॉस कर सकता, तो भाई अब तो बहुत ही बड़ा रिस्की काम हो गया है। तो भाई अब कुछ भी यहाँ पर नहीं समझ आ रहा, तो भाई क्या ही करना चाहिए अपने को। तो देख रो रिच गैंग के जो बंदे को मारा ना, तो यार उसका जो भाई है ना रिच गैंग के, जो पहले बंदा था जो रिच बंदा जिसकी गाड़ी थी, तो भाई अब वो अपने से बदला ले रहा अपने भाई का, तो भाई उसका डैड भी है और उसका भाई भी है, तो भाई कुछ भी यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। अब यहाँ पर ना थोड़ा रुक के सोचते हैं ठंडे दिमाग से, फिर कोई यार प्लान वगैरह करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यार सीजे और टोमी को जैसे तैसे बुलाना चाहिए। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो। 42 के इंसेन फैमिली जल्दी से करा दो अपने भाई की, और जो पीछे बंदा देख रहे हो ये करा चिंता मत करो भाई साहब, अभी तो शुरुआत है उनकी, तो पूरी गेम बजाएंगे हम। और लाइक है मैं पूरे 7000 लाइक का, आई होप आप सब कंप्लीट करा देंगे, तो जल्दी से करा दो यार, लाइक के बटन को पूरा नीला कर दो, जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और एम है पूरे 42K का यार, जल्दी से करा दो। तो मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल।